नमस्कार दोस्तों, मैं एचएम शर्मा, आप सभी का स्वागत है राजस्थान एजुकेशन हब की इस लाइव क्लास में। देखिएगा, आज हम अभिप्रेरणा के अंतर्गत अभिप्रेरणा के सिद्धांतों की बात करेंगे। अभिप्रेरणा से रिलेटेड फर्स्ट पार्ट में हमने अभिप्रेरणा क्या होती है, अभिप्रेरणा किस तरीके से कार्य करती है, उसके बारे में पढ़ा था। कल हमने सेकंड पार्ट में पढ़ा था कि अभिप्रेरणा के अंतर्गत जो है किस प्रकार के जो है वो प्रकार होते हैं, जैसे मैंने सकारात्मक बोला था, नकारात्मक बोला था, इसके अलावा उससे संबंधित जो है बहुत सारी जानकारियाँ एकत्रित हमने की थी। अब हम बात करेंगे अभिप्रेरणा से संबंधित उसके सिद्धांतों की। तो पहले यदि मैं बात करती हूँ सिद्धांतों की, तो सबसे पहला सिद्धांत है मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत। तो देखिएगा, अभिप्रेरणा के अंतर्गत जो मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत है, ये किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है, तो ये किया गया है मैकडूगल के द्वारा। कब किया है? 1908 में। यहाँ से क्वेश्चन आता है कि मूल प्रवृत्ति के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, तो वो है मैकडूगल। ये मैकडूगल ने इसमें क्या कहा है कि जो मनुष्य है वो मनुष्य का क्या होता है, मूल व्यवहार होता है। मूल प्रवृत्ति का मतलब होता है हमारा जो बेसिक नेचर होता है, यही बेसिक नेचर यानी मूल प्रवृत्तियां क्या करती है, व्यवहारों का निर्माण करती है। और इन मूल प्रवृत्तियों के लिए जो है वो संवेग किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित करते हैं। संवेग का मतलब होता है आपके अंदर की जो फीलिंग्स हैं, आपकी जो भावनाएं हैं, वो क्या करती हैं, इन प्रवृत्तियों को और ज़्यादा बढ़ावा देती है, और नतीजा आपका जो व्यवहार है वो व्यवहार में भी नज़र आती है। मैकडूगल के अनुसार मनुष्य का जो मस्तिष्क है, मैकडूगल क्या कहता है कि जो मानव का मस्तिष्क है उससे संबंधित है कि जो मनुष्य है उसका मस्तिष्क है उसमें कुछ जन्मजात प्रवृत्तियां पाई जाती है, क्योंकि हर एक मनुष्य जन्म के साथ कुछ ना कुछ क्वालिटी लेके आता है। तो मनुष्य में जन्मजात क्या पाई जाती है, प्रवृत्तियां पाई जाती है, जिससे मनुष्य के सभी विचार और क्रियाएं क्या होती है, प्रेरित होती है, और यही विचार और जो क्रियाएँ हैं वो व्यक्ति को किसी भी कार्य को करने के लिए प्रेरित करती है। मैकडूगल ने कहा है कि मनुष्य में पाई जाने वाली जितनी भी मूल प्रवृत्तियां हैं वो स्प्रिंग के बोर्ड के समान होती है, जो मानव के व्यवहार को और ज़्यादा स्पष्ट करने में सहायक होती है। जैसे स्प्रिंग का बोर्ड होता है, उसी प्रकार से हमारी प्रवृत्तियां होती है जो हमारे स्वभाव को और अच्छी तरीके से व्यक्त करती है। यदि दूसरे सिद्धांत की बात करती हूँ तो दूसरा है अंतर्नोत का सिद्धांत। इस सिद्धांत के प्रतिपादक हैं हल महोदय, और हल महोदय कहते हैं कि मनुष्य की जो शारीरिक आवश्यकताएं होती है उससे उसे उत्पन्न होता है तनाव, और इसी तनाव को अंतर्नोत के नाम से जाना जाता है। अंतर्नोत के अंतर्गत व्यक्ति जो है अपनी इच्छा के अनुरूप, या यूं कहूँ किसी एक ही इच्छा के पीछे भागता है, और जब वो उस इच्छा के पीछे भागता है तो उस विशेष कार्य को करने के लिए वो क्या होता है, प्रेरित होता है, और जब उसके मन में तनाव की स्थिति उत्पन्न होती है तो उसे अंतर्नोत के नाम से जाना जाता है। तीसरा है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। इसके प्रतिपादक है सिगमंड फ्रायड। फ्रायड के अनुसार अभिप्रेरणा दो प्रकार की होती है। पहली है मूल प्रवृत्ति सूचक। कौन सी है? मूल प्रवृत्ति सूचक है। तो देखिएगा, मूल प्रवृत्तियां जो है वो मनुष्य से संबंधित होती है। दूसरी है अचेतन मन से संबंधित। अब देखिए, मूल प्रवृत्तियों को दो भागों में बांटा गया है। पहला है जीवन मूल्य। पहली प्रवृत्ति कौन सी है? जीवन मूल्य से संबंधित है, जिसे इरोस के नाम से भी जाना जाता है। कभी आपसे पूछ ले इरोस क्या है, तो हमारी जो मूल प्रवृत्तियां हैं इन्हें इरोस भी कहा जाता है। इसके बाद मैं बात करूंगी मृत्यु मूल प्रवृत्तियों की, तो इन्हें थेनाटोस के नाम से जाना जाता है। देखिएगा, ये जो मूल प्रवृत्तियाँ हैं इनमें क्या होता है, संरचनात्मकता की बहुत ज़्यादा जो है वो प्रवृत्ति पाई जाती है, और जो ये मूल प्रवृत्तियां हैं ये व्यक्ति को रचनात्मक कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। जबकि मृत्यु मूल प्रवृत्तियां होती है वे विनाशकारी कार्यों को करने के लिए प्रेरणा देती है, यानी कि जितना ज़्यादा हो सके नुकसान और जितना ज़्यादा हो सके व्यक्ति को तनाव में डालने का कार्य जो है वो मृत्यु मूल प्रवृत्तियों का होता है, और इसमें नकारात्मकता ज़्यादा होती है, सकारात्मकता नहीं होती है। अब हम बात करेंगे प्रोत्साहन का सिद्धांत। तो इसके प्रतिपादक है वॉल्स और
कॉफमैन। इनका कहना है कि मनुष्य जिस वातावरण में रहता है उसी वातावरण में क्या होता है, उसकी जो निश्चित वस्तुएं हैं कार्य करने के लिए उसे प्रेरित करती है। और इनके अनुसार दो प्रकार का प्रोत्साहन होता है, कौन कौन सा है? पहला है धनात्मक प्रोत्साहन। देखिए, धनात्मक प्रोत्साहन में व्यक्ति अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ता है। दूसरा है नकारात्मक, या यूं कहूं कि ऋणात्मक प्रोत्साहन, जिसमें यदि किसी लक्ष्य की ओर बढ़ने से रोका जाता है या व्यक्ति किसी भी अपने टारगेट की ओर बढ़ने से पहले ही हताश हो जाता है, तो ऐसी परिस्थिति में ऋणात्मक प्रोत्साहन पाया जाता है। फिर आता है शारीरिक क्रिया का सिद्धांत। इसके जो प्रतिपादक है उनका नाम है मार्गन, और इनका कहना है कि मनुष्य को प्रेरणा किसी बाहरी तत्वों से नहीं मिलती है। मनुष्य को जितनी भी प्रेरणा मिलती है अपने शरीर के अंदर के जो तंत्रिकाएं तंत्र है उसमें परिवर्तन होते हैं, उन्हीं परिवर्तनों से मिलती है। ये सारी परिभाषाएँ और इनके सिद्धांतकर्ता बहुत ही IMP है, आपको अच्छे से इसको पढ़ना है। अब देखिए, मांग का सिद्धांत है, मैस्लो ने दिया है। इसका कहना है कि मनुष्य की जो आवश्यकताएं होती है वे उसे क्या करती है, उस कार्य को करने के लिए प्रेरित करती है। जैसे मैं बात करूंगी मनुष्य की कौन कौन सी आवश्यकताएं हैं, तो देखिएगा देहिक है, उसके बाद यदि मैं बात करूं तो कौन सी है, देहिक है, सुरक्षा से संबंधित है, सामाजिक है, और अगर अपने आप की यानी स्वयं के सम्मान की बात है तो भी क्या है, वो उसकी आवश्यकता है। इसके अलावा आत्मसिद्धि की मांग जो है वो भी मनुष्य की महती आवश्यकता है। अब यदि मैं प्रेरकों के प्रकारों की बात करूंगी तो मैस्लो के अनुसार जो प्रेरक पाए जाते हैं, एक है जन्मजात प्रेरक। देखिए, जन्मजात प्रेरक का मतलब होता है हमारी जन्मजात आवश्यकताएं, जैसे भूख, प्यास, नींद, काम, विश्राम, ये सब क्या है, जन्मजात प्रेरक है जो मनुष्य के जन्म के साथ ही आती हैं, यानी ऐसी आदतें जो जन्म के साथ शुरू से आती हैं और जन्म के समय ही होती है, वातावरण से निर्मित नहीं होती हैं। फिर आता है अर्जित प्रेरक। देखिए, ये जो अर्जित प्रेरक है ये रुचि, आदत और सामुदायिकता से संबंधित होते हैं। थॉमसन के अनुसार स्वाभाविक प्रेरक वो होते हैं जैसे खेल हुआ, अनुकरण हुआ, सुझाव हुआ, सुख प्राप्ति, ये क्या है, हमारे स्वभाव में निहित होते हैं और ये प्रेरक हमारे स्वभाव को प्रभावित करते हैं। फिर आता है कृत्रिम प्रेरक, जिससे आप बाहरी मोटिवेशन देकर किसी भी बालक को कार्य करवा सकते हो, प्रशंसा करके, पुरस्कार करके, दंड करके, सामूहिक कार्य की प्रेरणा देकर भी किसी भी बालक को मोटिवेट किया जा सकता है। गैरेट के अनुसार जितने जैविक प्रेरक होते हैं वे सब मनुष्य को प्रभावित करते हैं। फिर आता है मनोवैज्ञानिक प्रेरक, जिसमें भय, क्रोध, प्रेम, दुख, आनंद की भावना होती है, जिसमें मनुष्य बहुत ज़्यादा लॉजिक लगाता है। फिर आते हैं सामाजिक प्रेरक, जैसे आत्मदर्शन हुआ या आत्मकथा हुई, ये सब सामाजिक प्रेरकों का हिस्सा है। अब देखिएगा, अभिप्रेरणा पर नियंत्रण रखा जा सकता है। क्यों? क्योंकि अभिप्रेरणा जो है अगर ज़्यादा हो गई तो प्रॉब्लम है, कम हुई तो प्रॉब्लम है। यानी मनुष्य ज़रूरत से ज़्यादा खुश होता है तो समस्या उत्पन्न कर देता है, मनुष्य ज़रूरत से ज़्यादा दुखी होता है तो प्रॉब्लम कर देता है। इसीलिए जो प्रेरणा है, जो प्रेरक है, उसका भी क्या होता है, एक सीमा होती है। तो ध्यान में रखना, जो हमारे प्रेरक हैं उन पर नियंत्रण होना बहुत ज़रूरी है। और इसके लिए जो है विभिन्न प्रकार के दृष्टिकोण हैं, बहुत सारे आलोचक हैं, और बहुत सारे आलोचक कहते हैं कि भाई जो प्रेरणा है या अभिप्रेरणा है उस पर भी कंट्रोल होना चाहिए, नहीं तो स्थितियां बिगड़ जाएगी। और इसी कारण जो व्यक्ति है, बालक है, उसकी अभिप्रेरणा पर जब कंट्रोल किया जाता है तो उसे छद्म वैज्ञानिक यानी मनोविज्ञान के नाम से जाना जाता है। और इसके बारे में जो मनोवैज्ञानिक प्रतिपादक करते हैं उन्हें छद्म मनोवैज्ञानिक के नाम से जाना जाता है। इसमें अभिप्रेरणा को कैसे नियंत्रित किया जाए, इस बात को समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि हमारी प्रेरणा जो है उसमें कमी भी आती है और यदि ज़रूरत से ज़्यादा प्रोत्साहन मिले तो नुकसान भी होता है। चलिए, आधुनिक काल की बात करती हूँ तो बहुत सारे मनोवैज्ञानिक है जो बचपन से ही किसी भी बालक से संबंधित उसकी भावनात्मकता का के बारे में बताते हैं कि बालक ने शुरू से ही परिवार के द्वारा, समाज के द्वारा, विद्यालय के द्वारा या आसपास के वातावरण के द्वारा जो है भावनात्मक प्रोग्रामिंग की जाती है। जैसे उदाहरण दिया था मिशिगन के बच्चों का, और उसमें जो है वो एक अस्पताल था जिसमें PET क्लिनिक की चिकित्सा निर्देशक थे,
और जो वेन स्टेट यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मेडिसिन में बाल रोग तंत्रिका विज्ञान और रेडियोलॉजी के प्राध्यापक थे, जिनका नाम था हेरोल्ड चुगानी, इन्होंने अध्ययन किया और इन्होंने पाया कि हेरोल्ड ने अध्ययन किया था और हेरोल्ड ने पाया क्या पाया है हेरोल्ड ने हेरोल्ड का कहना है कि भाई जो वयस्क होते हैं, वयस्कों की तुलना में जो बच्चे हैं वो नवीन सूचनाओं को बहुत जल्दी ग्रहण करते हैं और नवीन नवीन क्षेत्रों में उनका मस्तिष्क ज़्यादा गतिशील रहता है वयस्कों की भांति। तीन से नौ साल तक के जो बच्चे होते हैं उनकी उम्र के जो बच्चे होते हैं वो बहुत ज़्यादा जल्दी सीखते हैं वयस्कों की भांति, और वयस्कों में हर चीज़ को सीखने में गिरावट आती है। और यदि बात करेंगे 9 साल की उम्र तक के बच्चे हैं तो उनके मस्तिष्क का जो भार होता है, आयतन होता है, वो 95% क्या होता है, हो चुका होता है। और नतीजा क्या होता है कि अभिप्रेरणा में की जो दृष्टिकोण की दृष्टि से यदि देखें तो प्रारंभिक जीवन में समाधान जो है वो बहुत ज़्यादा पाया जाता है। और व्यवहारिक दृष्टि से यदि अभिप्रेरणा को देखोगे, आत्म प्रेरणा को देखोगे, तो क्या होगा कि व्यवहारिक दृष्टि से ये सही नहीं है। अभिप्रेरणा में पारदर्शिका कम से कम एक अध्याय व्यक्ति के कार्यों और लक्ष्यों को समुचित व्यवस्था के बारे में होता है, यानी कि अभिप्रेरणा के अंतर्गत जब आप अभिप्रेरणा को नियंत्रित करते हो तो उससे संबंधित भी आपकी व्यवस्था व्यवस्थित होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप अभी बहुत ज़्यादा अभिप्रेरित हो और यदि आपकी अभिप्रेरणा को किसी कारण से रोक दिया जाए तो उसके बाद आप अभिप्रेरित ही ना हो। तो इस प्रकार से आपकी अभिप्रेरणा पर समय समय पर नियंत्रण होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिएगा, इसीलिए एक टास्क बनाया गया है जिसे मेटा टास्क के नाम से जाना जाता है, और ये हमारी प्रगति और दिनचर्या का सूचक होता है। और हम जो भी कार्य करते हैं वो प्रेरक के रूप में करते हैं, और हमारी जो अभिप्रेरणा है यदि वो नियंत्रित होती है तो हमारे अंदर जो है वो संतोषजनक भाव उत्पन्न होते हैं। और इसी के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, हमारी जो बुनियादी जो प्रयोगात्मक आवश्यकता है उसकी पूर्ति हो जाती है, हमारे कंप्लीट हो चुके काम और हमारे अधूरे कामों में क्या हो जाता है, तालमेल बैठ जाता है। और किसी भी प्रकार से क्या होता है कि इसमें जो अंतर है वो स्पष्ट रूप से नज़र नहीं आता अगर आप किसी भी प्रकार की सूची नहीं बनाते हो। तो ये जो प्रेरक है ये व्यक्ति को बहुत ज़्यादा व्यवस्थित करते हैं, और यदि उन्हें नियंत्रित करो और उन्हें शैलीबद्ध या बिंदु के रूप में इंगित करते हैं तो व्यक्ति अपने कार्यों को व्यवस्थित रूप से सुचारू बनाकर रख सकता है और व्यवस्थित रूप से जो है वो अभिप्रेरणा को नियंत्रित कर सकता है, और इसमें जो है वो बालक क्या करता है, अपनी तरक्की को अच्छे से कर लेता है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो बिल्कुल आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वापस मिलते हैं हम शाम को 5 बजे, तब तक के लिए धन्यवाद।